ये है मेरा स्कूल, ये जो दिख रहा ना, ये है सेंट चार्ल्स में पढ़े हैं। इसमें मैं नाइन्थ क्लास में पढ़ रहा था और ये इसमें मैं पढ़ रहा था। और सोनू का स्कूल दिखाता हूँ आगे, ये देख लो, ये सेंट चार्ल्स है। यहाँ बोर्ड भी लगा है, यहाँ से एंट्री है स्कूल का, अंदर जाते हैं। और बहुत बड़ा बाउंड्री है, तू लोग से भी बड़ा बाउंड्री है, बोल रहे थे तू लोग से भी बड़ा। और हमारे लोकप्रिय दोस्त हमारे सोनू भाई का भी स्कूल आ गया सामने। ये रहा सोनू का स्कूल, गाइस इसमें सोनू नाइन्थ में था ना, हाँ ये देखो, वो देखो बस वो दिख रहा है ना बालकनी, वहीं पे सोनू लोग पढ़ते थे। यहाँ से एक गेट है अंदर घुसने का, एडी ज्वेलर्स, इंग्लिश मीडियम था ना। गुड मॉर्निंग जी, वेलकम टू यूट्यूब व्लॉग्स। हमारे साथ हमारे सोनू भाई हैं, हेलो, जो कि हम लोग अभी जा रहे हैं गाइस थोड़ा सा एक छोटे से घर से, मेरे को काम बोलती है। और ये भाई आ ही रहा था मेरे पास घूमने के लिए, तो मैं इसको, दोनों साथ में है। हम लोग जा रहे हैं अभी भड़गांव, थोड़ा सा छोटा सा काम है, वो काम मैं बताऊंगा आगे जाके, तो उस काम को हम लोग निपटा के आते हैं। तो ब्लॉग के इन तक बने रहेगा। सोनू भाई आज हैं सारे ब्लॉग के साथ में, ब्लॉग काफी अच्छा आने वाला है, तो ब्लॉग को थोड़ा सा इंतजार करिएगा, ब्लॉग के इन तक बने रहिए, दिखाते हैं सारा सीन। अभी तो हम लोग हैं कहाँ है सोनू भाई, तेलगांव में। तेलगांव। अच्छा भाई, तुम लाइसेंस बनवा लिए? इसका देखो गाइस लाइसेंस बन गया, मैं भी अप्लाई किया हूँ यार और माने के लिए। तेरा पूरा आ गया हैवी वाला? हैवी नहीं, लाइट। लाइट है, है। तो हैवी कब आएगा, क्या करवाना पड़ता है? तो क्या करवाना पड़ता है उसका? टाइम लगता है इसमें हैवी के लिए। देख लो गाइस, इसका 18 साल जैसे पूरा ना, तुरंत लाइसेंस बनवा लिया। हम लोग 19 में बनवा रहे हैं, 18 में बनवा ली। सोनू भाई पब्लिक बोल रही है यार, सबको चाहिए ट्रैक्टर पे डीजल लोडिंग। और उस दिन और जो जंगलेटर था वो कितने केवी का था? 10 केवी का जंगलेटर था गाइस। मैं जो डीजे का जो महादेव आईडियो टैया का ये ओनर है, ये है और सुमन भाई है, तो दोनों का ये डीजे चल रहा है ना भाई। हाँ। तो यही ओनर है, तो यही बता रहे कितना 10 केवी का था। 10 केवी का था, 10 केवी का था। सेटअप बढ़ता तो और बढ़ाना पड़ता, लेकिन हाँ, और बाकी चीज अभी रिवील नहीं किया जाएगा, क्योंकि यार नया नया हम लोग साउंड लिए हैं। देव कैबिनेट का अपना सेटअप है, जो भी जितना भी देख रहे हैं सारा टॉप से लेके बेस तक हम लोग का देव कैबिनेट है ना भाई। हाँ। और मशीन वशीन भी वहीं से आया है, कहाँ दूर से लाए थे ना भाई? उतई है उतई, तो मैं तो नहीं गया था, मैं कुछ काम से फंस गया था। मेरा भाई गया था, सोनू और सुमन भाई गए थे, और दो चार लोगों को गए थे लेने। दुर्गेश भी था, दुर्गेश था, बस था, सब गए थे भाई लोग। तो वही देव कैबिनेट का अपने पास सेटअप है, और अभी हम लोग का थोड़ा सा पढ़ाई चल रहा था 12th का, तो हम लोग इधर उधर बुकिंग तो बहुत आया, हम लोग बहुत ज्यादा आया, लेकिन हम लोग बोर्ड के वजह से ना हम लोग थोड़ा बुकिंग नहीं ले पाए है ना, पढ़ाई में लग गए थे। अब हम लोग का देखो एक एग्जाम बचा 27 मार्च को है, तो उसको एक बार हम लोग दे लें, उसके बाद हम लोग एकदम टेंशन फ्री हो जाएंगे, उसके बाद अपना सेटअप चलेगा। और डीजे पे ट्रैक्टर लोडिंग का ब्लॉग एक और आएगा, उसको देखिएगा, उसको शुरू से दिखाऊंगा मैं लोडिंग कैसे होगा, वो सब दिखाऊंगा है ना भाई, पूरा चीज। और मैं नहीं रहूंगा ना, तो कैमरा सोनू के पास तो खुद ही है कैमरा, इसको दे दूंगा भाई, ये शूट कर देगा। इसका भी मान लो कि मेरे ब्लॉग में देख रहा हूँ ना, इसका ब्लॉग है, भाई का, अनिक का, दो चार लोग हैं हम लोग, सबका ब्लॉग इसी में चलता है गाइस, देख लीजिएगा है ना सोनू भाई। हाँ, दिखा देंगे। बाकी ट्रैक्टर पे लोडिंग फिर से आने वाली है, तो ब्लॉग को मिस मत करिएगा, ब्लॉग के देखते रहो, आएगा ही आएगा। गाइस फाइनली हम लोग भटगांव पहुंच गए, ये देख लो। और गाइस जिनके पास मेरा काम होना था, वो भैया तो है नहीं घर पे, वो कॉल नहीं उठा रहे थे, इसलिए मेरे को आना पड़ा था, बता दे रहा हूँ। तो वो कहीं बाहर गए हैं, तो कुछ दिन के बाद आएंगे, तब होगा मेरा काम। तो अभी सोनू भाई कहाँ जा रहे हैं हम लोग? कहाँ चले बताओ? चलना चलते हम लोग पुराने स्कूल में, हम लोग का पब्लिक को दिखा देता हूँ कि मैं कहाँ पढ़ रहा था गाइस पहले। हाँ, पहले मैं अपने जहाँ पढ़ रहा था ना, नौवीं हम लोग जो पढ़े हैं नाइन्थ स्कूल भड़गांव पढ़ रहे थे हम लोग, वो स्कूल दिखाते हैं आपको। ये पढ़ रहा था, मैं भी पढ़ रहा था, लेकिन अलग अलग स्कूल में पढ़ रहे थे, अगल बगल में आपको दिखाता हूँ। और गाइस हम लोग अभी पहुंचे हुए हैं रविशंकर त्रिपाठी चौक के पास, मिशन चौक भी इसको बोला जाता है। बट आगे जैसे जो रविशंकर त्रिपाठी जी है ना, यहाँ के विधायक थे, जो इनका निधन हो गया 8-10 साल पहले ही हो गया जहाँ तक, तो इनका चौक यहाँ पे इनका नाम रख दिया गया है, नहीं तो ये मिशन चौक के नाम से जाना जाता है। ज्यादातर लोग इसको मिशन चौक के नाम से ही जानते हैं, यहाँ पे को मिशन चौक के नाम से जाना जाता है। और यहाँ से हम लोग का स्कूल
लगभग 150 मीटर दूरी पर है ना। बेलियर गेट दिख रहा है ना, वहीं से रास्ता क्या है राइट साइड पे, ब्लॉक पे बने रहिए, देखते रहो। ये देखो यहाँ खेल रहे हैं लड़का लोग, ये देखो एडी जुबली, एडी जुबली मेमोरियल, आज संडे ब्रो। अरे सॉरी, कहाँ से स्कूल लगेगा? इधर मेरा सेंट चार्ल्स का स्कूल का है। कौन बोल रहा था कि मेरा स्कूल, सरपंच लोग बोल रहे थे ना पंडोपारा का। ये देख लो भाई सरपंच लोग, ये है मेरा स्कूल, ये जो दिख रहा ना ये है सेंट चार्ल्स में पढ़े हैं। इसमें मैं 9th क्लास में पढ़ रहा था और ये इसमें मैं पढ़ रहा था। और सोनू का स्कूल दिखाता हूँ आगे, ये देख लो ये सेंट चार्ल्स है, यहाँ बोर्ड भी लगा है, यहाँ से एंट्री है स्कूल का, अंदर जाते हैं। और बहुत बड़ा बाउंड्री है, तू लोग से भी बड़ा बाउंड्री है बोल रहे थे, तू लोग से भी बड़ा। और हमारे लोकप्रिय दोस्त हमारे सोनू भाई का भी स्कूल आ गया सामने। ये रहा सोनू का स्कूल, गाइस इसमें सोनू 9th में था ना, हाँ जस्ट यहीं पे पढ़ते। ये देखो वो देखो बस दिख रहा है ना बालकनी, वहीं पे सोनू लोग पढ़ते थे। यहाँ से गेट है अंदर घुसने का, एडी जुबिलर्स इंग्लिश मीडियम था ना और वो हिंदी मीडियम था। मैं ना गलती रमन के चलते मैं गलती से ला गया था हिंदी मीडियम में एक साल, बाकी तो मेरा मतलब एक ही साल तो हिंदी में पढ़ा, उसके बाद तो भाई इंग्लिश मीडियम में पढ़ा हूँ। शुरू से इंग्लिश मीडियम में पढ़ा था मैं, बस एक साल मैं 9th में हिंदी मीडियम में चला गया। मैं आपको बहुत कुछ बात अपना बता नहीं पा रहा था, धीरे धीरे सब पता चल जा रहा है आपको, है ना सोनू? स्कूल भी पता चल जा रहा है कि कैसे पढ़ा, कौन में पढ़ा। इससे पहले पहली से लेके 8th तक हम लोग पढ़े थे कहाँ? सलका में, खुशी पब्लिक स्कूल पे, केपीएस के नाम से जाना जाता है, नाम पे। और यहाँ से हम लोग फिर से रिटर्न ले लिए उसी तरफ, अच्छे से दिखा पाए। चर्च भी अंदर, चर्च है देख लो, स्कूल के अंदर ही चर्च है, क्रिश्चियन वाला जो। अच्छा हम लोग के में प्रिंसिपल थोड़ा होता था, सिस्टर फादर मेरे में, इसके में फादर थे मेरे में सिस्टर। जैसे प्रिंसिपल को हम लोग के में सिस्टर बोला जाता था और ये लोग फादर बोलते थे। फादर क्या बात है सर, क्या बात है सर। फादर यही वाला था हम लोग का क्लास को पहले, कौन सा ये वाला? ये तो कंप्यूटर वो तो सेकंड वाला ना, सेकंड और थर्ड वाला जो विंडो दिख रहा है ना, हाँ वही वाला है। देख लो गाइस, ये था सोनू भाई का क्लास और मेरा क्लास ऊपर वाला हॉस्टल है मान लो, लड़के लोग के लिए 5-6 लोग रहते थे यहाँ ना। इसको कोई समझ रहा हूँ की गाड़ी पार्किंग होगा, नहीं हॉस्टल था, हॉस्टल रूम बनवा दिया था फादर, दूर से बच्चे आए थे। ये हम लोग का वॉशरूम है जो दिख रहा है यहाँ पे, वॉशरूम है। और मैं रुक जा थोड़ा सा भाई, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, वो थर्ड वाला जो विंडो दिखाई दे रहा होगा ना, बस उसी में मैं, मेरा क्लास था 9th का, वही मेरा 9th का क्लास था भाई। बहुत बड़ा, इसके अंदर जाना ना बहुत सारे रूम है भाई, यहाँ बता रहा हूँ कैंटिंग है, एक तो कैंटिंग था, दूसरा तुम्हारा वो तो अभी मेडिकल वाला था, मेडिकल का बहुत सारे डॉक्टर थे, नर्स थे, टीचर्स थे, बाहर के एकदम बाहर के भाई। वो लोग मतलब यहाँ हम लोग गाली गलौज भी दे दो ना तो लोग समझ नहीं पाते थे कि क्या गाली है, बता रहा हूँ। इधर जो गाली उली देते हैं ना, वो गाली भी दे देना ना तो समझ नहीं पाते थे कि क्या गाली है, क्या हुआ हुआ इंग्लिश में बोल रहे थे, कुछ समझ आ नहीं रहा था। बाहर से सब आके बसे हुए हैं, इंग्लैंड उंग्लैंड के होंगे भाई ये लोग, कहीं से है बाहर से, बहुत दूर से है भाई, एकदम अजीब है लोग का आवाज भी है। अभी ये हम लोग दुग्गा के यहाँ से गांव स्टार्ट हो जाता है, जहाँ हमारे सोनू राइडर एक और ब्लॉगर है, सोनू राइडर भड़गांव के, उनका एरिया है, वहीं रहते हैं। एरिया क्या रहेगा उनका, गांव है ये दुग्गा, उसका नहीं कि सोनू राइडर नहीं है, नहीं तो सोनू राइडर के पास जाते हैं भाई। वो तो अभी कोरिया में है, कोरबा में, कोरबा में उसका ड्यूटी लग गया ना भाई उनका। वो क्या कर रहे हैं सोनू, कालरी में है, SCCL में नौकरी लग गया, तो उनका ब्लॉग बीच बीच में आता है सोनू राइडर। सोनू राइडर का घर बाद में जब आएंगे ना सोनू राइडर, तो तब दिखाऊंगा उसके पास जाके। उसके पास डीजे भी है, देव कैबिनेट का नहीं है, क्या है उसके पास भी डीजे है ना भाई। पहले फेमस था बड़गांव में, उसी के चलते बता रहा हूँ कितने लोग ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दी गई। मैं खुद इंस्पायर हो गया, मैं खुद हो गया हूँ, मैं उसका ब्लॉगिंग देखा उसके बाद मैं खुद बनाना स्टार्ट कर दिया। बहुत लोग हैं, बहुत मतलब अपने एरिया में कितना ब्लॉगर होंगे सोनू? 40-50 ब्लॉगर होंगे, मैं बता रहा हूँ 40-50।
मेरे मेरे दोस्त में मैं बता रहा हूँ 11-15 फोटो मेरे दोस्त में है यार लोग। कहाँ जा रहे हैं भाई इधर, कहाँ ले जा रहे हैं? कहाँ चले? रिटर्न लोन है यार तुम्हारा, हो गया है। काम तो हुआ काम, नहीं काम हुआ नहीं ब्रो, काम नहीं हुआ यार। चलो रिटर्न ले लो ना, रिटर्न ले लो। मौसम भी वैसे बादल बादल, हाँ अच्छी है, घूमने वाला है मौसम। ऐसे मौसम में लद्दाख में घूमना चाहिए। क्या करें, एग्जाम भी है भाई। कोई नहीं, पूरा एकदम हम लोग का संकट जितना था ना सब दूर हो जाए, उसके बाद हम लोग बहुत लंबा टूर पे जाएंगे, है ना सोनू? टूर तो है दूर जाने का, ट्रैवल करे बिना हम लोग रह नहीं सकते। मैं तो घर में रह नहीं सकता, जब से घूमूंगा नहीं ना तब तक मेरे को अच्छा लगता ही नहीं है। ये 2-3 दिन नहीं निकला, इसका तबीयत ठीक खराब हो गया था, अब ये तो ठीक हुआ है। आतिक मौसम के चलते भाई, मौसम मौसम में तुम घर में रहोगे, ऐसे मौसम में घूमने फिरने में तो होगा ही ना खराब। ठीक है, चलते हैं अब घर। घर जाना सोनू, बताओ कहाँ चले? चलो मड़गांव में कहीं नहीं, पार्क पर जाओगे? पार्क नहीं जाएंगे भाई, पार्क नहीं जाएंगे, उसका अलग ब्लॉग बनेगा। नीली झील है यहाँ घूमने का एक एरिया, उसका अलग ब्लॉग मैं बनाऊंगा, और कालरी खदान जो है वो भी दिखाऊंगा, अलग ब्लॉग में दिखाऊंगा उसको। ठीक है, इस ब्लॉग में आप यहाँ सब चलते हैं घर। और गाइस मैं अपने घर के पास आ गया, लेकिन मेरा घर ताला बंद है। तेरे चल यार पुराने घर में, मेरी मम्मी गई वहीं पे, मेरे को छोड़ देना सोनू वहीं। हाँ भाई उसके पास चल जाना तू। ये देख लो मेरा स्कॉर्पियो खड़ा है यहाँ पे, देख लो बेबी से मिल लो भाई, बेबी बेबी। तुल्ला के घर में शादी था ना अभी? शादी शादी था ना? और गाइस मैं भटगांव से आने के बाद नहा के सो गया था, और अभी उठा हूँ। अब चलते हैं गाइस सोनू भाई के घर तरफ घूमने के लिए। इसी को बनवाने गया था भाई उस दिन, फिल्मोरा डिस्प्ले नहीं लगा, एडिटर है। अब इसी से एडिट होगा क्या छोटे ब्लॉग? हाँ भाई ओपन करो तो करा के देखता हूँ, कर रहे हैं ओपन, थोड़ा टाइम लगता है। कितना लगा डिस्प्ले? पूरा चेंज हो गया इसका, पूरा नया। अरे ये सब उखाड़ देना यार, ये फालतू का बच्चे जैसा लगवाया है। पहले सब का स्टिकर है, देखो भाई यहाँ से। और गाइस सोनू भाई के घर से हम लोग निकल चुके हैं दोनों भाई, और रात हो गया आते आते हम लोग, और जा रहा हूँ भाई अभी इसको छोड़ूंगा, उसके बाद मैं भी निकलूंगा घर। और गाइस मैं अपने घर आ गया, और इस ब्लॉग को करते हैं प्रिंट। आई होप कि आपको मेरी ब्लॉग वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, तो प्लीज यार लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं जल्दी वीडियो के नेक्स्ट ब्लॉग पे, मौज काटते रहो।